नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। वीडियो के अंदर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ जंक्शन बाजार की है, स्टेशन रोड की है और गुरुद्वारा वाली गली की है। यह तस्वीरें देखकर आप आइडिया लगा लेंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन के बाजार की यातायात व्यवस्था का क्या माजरा है, क्या यहाँ पर यातायात व्यवस्था के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ जंक्शन के अगर बस स्टैंड रोड, रेलवे रोड और गुरुद्वारा गली की हम बात करें तो यातायात व्यवस्था यहाँ करने के लिए बहुत से प्रश्न खड़े होते हैं। बाज़ार के अंदर जितनी भी दुकानें बनी हुई हैं, व्यापारियों के पास कार, गाड़ी, घोड़ा सबके पास है। सुबह दुकान पर आते ही सब व्यापारियों की, दुकानदारों के जो वाहन हैं वह इस डिवाइडर के साथ साथ खड़े कर दिए जाते हैं। बाज़ार में आने वाले प्रत्येक ग्राहक के साधन को खड़ा करने के लिए, रुकने के लिए कोई जगह भी यहाँ पर नहीं मिलती है। इसलिए यह पीड़ा है कि जो ग्राहक सामान खरीदने के लिए दूर दराज से आता है, उसको अपना वाहन खड़ा करने के लिए जगह भी उपलब्ध नहीं है। डिवाइडर के सौंदर्यकरण का कार्य नगर परिषद के द्वारा स्टेशन रोड पर करवाया गया है और बस स्टैंड रोड पर करवाया गया है। उसके बाद वहां पर वाहन खड़ा करने के लिए भारी समस्या उत्पन्न हो रही है। यातायात पुलिस और नगर परिषद दोनों को मिलकर हनुमानगढ़ जंक्शन के बाज़ार की यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए, व्यापारियों को समझाने के लिए मिल बैठ कर बात करने की आवश्यकता है। वीडियो देखकर आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार फिर इसका इलाज क्या है। इलाज भी इसका है, आपको विजय बलाडिया जो कि व्यापारियों के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जो बातचीत की गई है वह भी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार जो व्यापारियों की, दुकानदारों की जहाँ कारें सुबह आकर खड़ी कर दी जाती हैं, कतारों में खड़ी कर दी जाती हैं, उसका इलाज क्या है, उसका हल क्या है। सुनिए विजय बलाडिया का इस संबंध में क्या कहना है। अब जो रेलवे स्टेशन पर बाजार की तरफ जो कारें खड़ी हैं, परमानेंट व्यापारियों की, दुकानदारों की खड़ी रहती हैं और ग्राहक यहाँ जो है खड़ी करने की जगह नहीं मिलती, क्या कहेंगे इस पर? हमारा विचार ये है कि जो व्यापारियों की कारें यहाँ सुबह से लेकर शाम तक स्टेशन रोड के ऊपर डिवाइडर के पास खड़ी रहती है, उनको रेलवे बाउंड्री में कार पार्किंग की जगह है और वहाँ शुल्क देकर कार पार्किंग का, रेलवे बाउंड्री में खड़ा करने का विचार करें और इसमें नगर परिषद का सहयोग करें ताकि ग्राहक की कारें डिवाइडर के साथ आराम से आवागमन चलता रहे और ग्राहक भी आता रहे और गाड़ियां भी आती रहे और जाती रहे और आराम से मार्केट में इस समस्या का समाधान होता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। नहीं, यातायात पुलिस के द्वारा क्या इस संबंध में कोई व्यापारियों से बैठक करने की या पहले कोई बैठक की गई है? आज से 3-4 साल पहले बैठक की थी, उसके बाद में किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई और जब भी आदेश करेंगे हम उनके लिए बिल्कुल तट पर तैयार रहेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन में बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए नगर परिषद और यातायात पुलिस को दोनों को मिल बैठकर व्यापारियों से बातचीत कर यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के लिए हल निकालने के लिए आगे आना होगा। तभी हनुमानगढ़ जंक्शन के बाज़ार के अंदर जो यातायात व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसमें सुधार लाया जा सकता है और आम नागरिकों को भी इस ओर ध्यान देना होगा कि किस प्रकार यातायात व्यवस्था को हम मिल बैठकर सुधार सकते हैं और जो इस डिवाइडर के साथ साथ अतिक्रमण किए हुए बैठे हैं उनको भी हटाने की आवश्यकता है, उनको दूसरे स्थान पर बैठाने की आवश्यकता है। तभी हनुमानगढ़ जंक्शन जिला मुख्यालय का जय बाजार है, यहाँ पर यह स्थिति जो बनती है और शाम के समय तो यहाँ पर निकलना भी वाहनों का मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए मिल बैठकर नगर परिषद और यातायात पुलिस और व्यापारी सभी दुकानदारों से बातचीत कर, बैठक कर, उनसे राय कर
इस व्यवस्था को सुधार करने की आवश्यकता है। अब देखना होगा कि कब इस पर ध्यान देकर व्यवस्था को सुधारा जाता है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।